जले रिश्तेदार ले आई हूँ, कोयले ले आई हूँ। चल गए। एंड ये यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं। Hello and assalamu alaikum guys, welcome to another vlog. तो गाइस हमारी ईद अभी तक ख़त्म नहीं हुई, आज है बारबेक्यू सीन, तो बस मैं उसी के लिए तैयार हो गई हूँ, मेकअप ऑल डन। ठीक है, ये है मेरा मेकअप का फाइनल लुक एंड पीछे मैंने कपड़े निकाल के रख लिए हैं। सो दिस इज़ माई आउटफिट फॉर टुडे एंड अभी चलते हैं सामने वीरे के रूम में एंड देखते हैं वीरा तैयार हो गया कि नहीं। सो कम लेट्स गो, वीरे के रूम में चल के देखें। वैसे तो ये तैयार ही होगा पर देखते हैं क्या कर रहा है। ओहो सो ये रहा वीरे का फुल लुक, वाह बिलाल। सो गाइस ये रहा वीरे का ईद डे 3 का लुक एंड ये रहा मेरा 3rd day का लुक। बहुत ही कैजुअल है हम, ठीक है, हमने का ट्राउजर टी शर्ट परफेक्ट कॉम्बो। सो आज हम लोग बारबेक्यू ऐसे ही आउटफिट में करेंगे, ठीक है बिलाल। आज बिलाल और मैं बारबेक्यू कर रहे हैं अकेले, हमने किसी को इनवाइट नहीं किया, इसको भी इनवाइट नहीं किया हमने, ये हमें देख लिया क्या अकेले। मुस्कान हमने आपका फेस रिवील कर दिया कि आप भी यहीं पे हैं। सो गाइस मैं सबके रूम्स में घुस घुस के देखना चाह रही हूँ कि कौन कौन तैयार हुआ है, कौन कौन नहीं। यहाँ पे दीदी तैयार हो गई, दीदी इधर तो देखो, इधर तो देखो, हम आपको आपके बाल नहीं देखने आए, हम आपका। ओ वाह, सास दीदी ने ब्लैक पहना, अभी दीदी यहाँ पे तैयार हो रही है। सो हम इसके रूम से चलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। यार इसके रूम में गर्मी बहुत है, सो इसके रूम को हम बंद करते हैं, हम अपनी जन्नत में जाते हैं। ओह सुकून, असल सुकून है इस रूम में मुझे मिलता है क्योंकि ये मेरा रूम है। सो चलो अभी जल्दी से कपड़े पहनते हैं, बाल सेट करते हैं क्योंकि अभी बालों में ब्लास्ट हुआ हुआ है, क्योंकि मैं अभी शावर लेके तैयार हो रही थी, तो अभी बालों में जो ब्लास्ट हुआ हुआ है उसको सेट करते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं। A few moments later. सो गाइज मैंने अपना आउटफिट पहन लिया है एंड अभी हम चलते हैं नीचे। सो लेट्स गो। तो गाइज मैंने अपने बाल सेट कर लिए एंड दिस इज माय फुल एंड फाइनल वाला लुक एंड अभी बिलाल को कहते हैं मेरा फुल लुक तो दिखा दे। सो ये है मेरा आज का आउटफिट जो कि यहाँ से बहुत लूज हो गया मुझे, बट इट्स ओके। सो गाइज ये रहा मेरा फुल लुक। लेट मी शो यू गाइस दीदी का आज का फुल लुक जो कि है ये। ओह वाओ लुकिंग प्रिटी। तो गाइस यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ना ये लोग सॉरी दीदी बच गई हो। हाँ इसके पाँव पे ना मैं खड़ी हो गई थी, अभी खड़ी नहीं हुई। एंड यहाँ पे मुस्कान सर के ना जरा खुद से बाल बनाने की नाकाम कोशिश करी है, एट द एंड इससे बनने कोई नहीं, एंड पे ये फिर मेरे से ही बनवाएगी एंड अभी मैं 2 मिनट तक इसके बना दूंगी, ये अपने बाल जला लेगी। हरकतें देखो ये मुस्कान क्या हो रहा है, वाओ क्या कर्ल्स है, वाह वाह वाह, ये बीची वेव्स है, कर्ल्स नहीं है। मुस्कान के बाल जो है वो मैंने कर्ल कर दिए एंड मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। अभी चलते हैं किचन में क्योंकि मामा किचन में मैरिनेशन एंड ऑल करी है, सो किचन में चल के देखते हैं मामा कहाँ तक पहुँची हैं, क्योंकि सारा काम तो बेचारी मामा ने करना है, हम तो एवं बस खाने में ही हैं आगे, और तो कोई काम नहीं हम लोगों ने करना है ना बिलाल। ये भी सिर्फ खाएगा ही, इसने कौन सा कुछ कर लेना है, और ये तो बेचारी। ऐसे हम लोग यहाँ पे अपना पोर्टेबल बारबेक्यू ग्रिल जो हम लोग लेके आए हैं वो अनबॉक्स कर रहे हैं अभी। हम लोग मैचिंग लेके हैं ब्लैक, वाओ
सो बिलाल अभी इसको अनबॉक्स करेगा। चल फाड़ दे। नहीं अच्छा मैं हूँ, मैं तो फाड़ दूँ इसको। पीछे मूवी चल रही है जो कि बाबा मूवी देख रहे हैं। ओहो मामा नहीं कर रहे, मामा कह रही है ध्यान से निकाल लेना। तो प्यारा है, है ना? अब इसमें किस बच्चे को ग्रिल करना है यार? इस बच्चे को ग्रिल कर दो। सो गाइस सिर्फ हमारे पास 6 ही सीखे हैं। मामा इसके साथ काम चलेगा? पता नहीं, लेट्स सी। ये सीखे गरम कर करके ना शरारती बच्चों को मारने चाहिए। लाइक सीखे गरम करो, बच्चों को मारो। मामा बचपन में हमें डराती होती थी सीख गरम कर करके, गरम करके डराती थी, जला दूंगी जला दूंगी। सो गाइस यहाँ पे तो बहुत तेज हवा चल रही है ना दीदी, बारबेक्यू का सही मजा आने वाला है ठंडे ठंडे मौसम में। तो यहाँ पे रिमशा उड़ने वाली है अब, क्योंकि उस दिन मुस्कान को उड़ा रही थी, आज खुद उड़ेगी। मैं नहीं उड़ सकती, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। मौसम बहुत कमाल है माशाल्लाह। बाल ही खराब हो गया यहाँ तो, यार बाल उड़ ही जा रहे हैं। एंड यहाँ पे अभी बिलाल टेबल साफ कर रहा है ताकि हम लोग यहाँ पे सारा सेटअप लगा तो सारा काम उसी से करवाना, खुद क्यों नहीं कुछ कर रही? नहीं मैं अभी जाऊँगी ना, मैं बेसमेंट से स्टूल्स वगैरह लेके आऊँगी एंड बस मेरा काम इतना ही है। सो यहाँ पे बिलाल आ रहे हैं वापस से सफाई करके। मुस्कान का तो हमने मुस्कान अपने प्रिंस के साथ, प्रिंस भी स्किट एंजॉय कर रही है। इन सीखों के साथ ना मैं अपने दुश्मनों को ग्रिल करूँगी। एक है इंशा, एक है बिलाल, एक मुस्कान, बाकी टोटल हो ही गया सर। कितने हैं? ज्यादा है। काउंट करने लगी कौन कौन है। अगर बारिश हो गई ना तो मोए मोए हो जाएगा हम लोग। मोए 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 मोए। चलो रिमशा बिलाल की हेल्प करो, खुद ही को पूरा सेटअप होने लगा। कोयलों की स्मेल अभी से आने लगी है। ए कोयलों वाला हमारा पूरा ही है परफेक्ट। देखे हमारे भाई ले ले आज बिलाल नहीं ये सब कुछ करना लग रहा कैसा आ रही है। आज मैं जले रिश्तेदार ले आई हूँ, कोयले ले आई हूँ। डायलॉग इसके देखो अच्छा था ना। ये है मुस्कान की फुल लुक। I hope you guys like my today's look. Oh my god, ईद के तीसरे दिन भी शौकियाँ मारने से मुस्कान बाज नहीं आती। आ जाओ कितना अच्छा वेदर है ना, पहले ही आ जाती। मुझे कह रही कितना अच्छा वेदर है ना, सामने मैं थी ना। स्वेटर रिमशा ऐसे बहुत लाई, बस हाथ लगाना और रिमशा की तारीफ कर दो। तू मेरी रिश्तेदार बन गई आज, आज मुस्कान पागल हो गई। तो यहाँ पे बिलाल बारबेक्यू के लिए कोयल रख रहा। क्या कहते हैं इसको, कोयले कहेंगे बट यहाँ स्टिक्स वाले हैं, चारकोल लैंप है। सो यहाँ पे ये दूसरे वाले शीशे वाले कोयले नहीं है, ये वाले हैं। तो गाइस अभी बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ मामा का, ताकि मामा सब कुछ ले एंड हम खाना खाएं, फाइनली बारबेक्यू करें। It's going to be so much fun. मैं पहले ही बहुत ज़्यादा excited हूँ अभी से ही, like अभी से ही। एंड ये तो सेट है ऑलमोस्ट। तो गाइज यहाँ पे मम्मा खतरों के खिलाड़ी वाले काम कर रही हैं। मम्मा इधर पेट्रोल डाल रही हैं आग लगाने के लिए। मम्मा पेट्रोल कम सिरका ज़्यादा लग रहा है, है ना? सिरके की बोतल में मामा लेके आई है ये चेक करे ना। ये वो लोग हैं जो बस ऐसे ही बैठने के लिए और खाने के लिए आए। उसका तेरी तेरी पसंद का तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आज जिस जिस चीज़ का भी बारबेक्यू होगा ना, वो सब मुस्कान के खाने लायक नहीं है। मुस्कान को ना चिकन पसंद है ना कुछ और। वाओ वाओ। तो गाइस मैंने कहा था ना सारा कुछ मामा ने करना, हम बस खाने के लिए यहाँ पे आए हुए। क्या कर रहे बिलाल, ये लो।
मुस्कान अभी बंद है, तू पहले भाग रही है हद है। ओ धुआं धुआं हो गए यार, जल जल के क्या हाल हो गया इनका। जला दिया बिलाल ने, सारी काली नजरों को बिलाल ने जला दिया इधर एक ही बार। बिलाल टीवी लगाने में सबसे मैं यहाँ पे अब आराम से बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं बस अभी इंतजार कर रही हूँ कि यम्मी यम्मी स्टेक, यम्मी यम्मी बारबेक्यू कब खाने को मिलेगा। एंड इनको चेक करें, ये हैं हमारे आज के क्या कहते हैं उनको, नहीं जो नहीं जो आगे बारबेक्यू करते हैं उनको क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, बट ये हैं वो। ऑनेस्टली ये हमारा ना फर्स्ट टाइम है ऐसे बारबेक्यू कर रहे हैं है ना बिलाल, हम मना रही है, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है कैसे करते हैं ये, हम लोग बस शेफ ले आते हैं भाड़े पे कि ये शेफ हमें बारबेक्यू करके देगा, और ऊपर से हवा इतनी चल रही है हमारे कोयले ही नहीं जल रहे, बार बार आग लगाते वो बुझ जाती है। बट कोई नहीं, जैसे ये जलते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या सीन है क्या नहीं। सो यहाँ पे मामा खुद ही मेहनत कर रही हैं। बिलाल तू क्यों नहीं हेल्प करवा रहा, मामा मैं क्या एक दफा जरा झुक कर ले जल जाए तो फिर उसके बाद फिर बिलाल को। मेहरू बस कही जा रही है कि मामा रिमशा से करवाए, मामा खुद कर रही हैं एंड मेरे बैठे बैठे पांव थक गए हैं। मामा रिमशा से करवाएं प्लीज। क्यों आप क्यों नहीं लड़ रही हो हैं इतने दिन वर्कआउट नहीं किया, ईद के 3-4 दिन बस वर्कआउट नहीं हुआ, मतलब एक ईद से पहले और आज तीसरे दिन, 4 दिन बस वर्कआउट नहीं किया, मामा थक जाएंगी एंड पे। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ खाने के पीछे कितनी वैसे मेहनत लगती है। वाकई हमारे पास छोटा फैन नहीं मिल रहा था, किधर है फैन है ना बड़ा, तो इसलिए हम लोग हाथ से लगे हुए, जो जूते के डब्बे मैंने फाड़ दिए इधर, मैंने भी ने मुस्कान ने दिए हैं जूते के डब्बे। में से प्लास्टिक का फैन ले आते हैं, बिलाल थक गया होगा ना इसलिए। हाँ दूसरा हमारे पास बड़े वाला है तो यहाँ देखें निशा आगे है लेके सारी चीजें। यहाँ पे हम लोगों ने चिकन को मैरिनेट किया और चेक करो जरा, बड़ी ईद पे चिकन खाने लगे हम लोग, वैसे बीफ भी है मटन भी है बट देखो क्या क्या खाते हैं, यहाँ पे वेजिटेबल्स भी हैं, अभी और चीजें आ रही है ना। हाँ जल्दी लिख रहा हूँ अभी बाकी चीजें अंदर रखी, यहाँ पे रख दू ना। बिलाल कैसा फील हो रहा यहाँ पे हम अपनी टेबल, आपका तो ऐसे बुरा हाल हो गया। नहीं नहीं मैंने कहना था वहाँ की लाइट ऑन कर लो। ठीक है छोटी तो चलो हम लोग अपने कबाब के लिए भी, अपने नहीं कबाब का भी मटेरियल ले आए हैं। ये किधर रखना है, ये भी मैं ही रख। टेबल सेट हो गई ऑलमोस्ट, अभी बाकी चीजें आनी है। सो यहाँ पे मामा कबाब लगा रही हैं अभी सीखों पे, वाओ एंड यहाँ पे सारा कुछ मैंने रख दिया है एंड हमारे कोयले भी पक गए हैं। हाँ जी बिल्कुल चिकन का। वाओ सो यहाँ पे मामा बस अभी कबाब ही लगा रही हैं एंड यहाँ पे चेक करो एक कबाब हम लोगों ने लगा दिया, साथ साथ बिलाल हवाए नहीं जा रहे। बिलाल से नहीं हम करवा रहे क्योंकि बिलाल ने कबाब क्या लगाना था, बिलाल ने तोड़ देना था सारा। एंड इस लड़की को कोई फुर्सत नहीं है कि कोई हेल्प करवाए, ये बस अपनी फोटोज वीडियोस बनाने में मसरूफ है, सिर्फ मामा के साथ बिलाल मैं मुस्कान है जो हेल्प करवा रहे हैं। हाँ जी हम लोग सिर्फ हेल्प करवा रहे हैं ना मुस्कान, हम लोग सिर्फ हेल्प करवा रहे हैं। ओह मैं भी बना लूं मामा, माइंड तो नहीं करेगी मामा जी, माइंड तो नहीं। ओह वाओ सो यहां पे हम लोगों की सीखें तैयार हो गई है मलाई बोटी की एंड बाकी अभी देखो क्या क्या करना है क्या क्या नहीं है ना मामा। बिलाल हेल्प करो मामा की यार, पूरा साइलेंट मोड पे चले गए हैं ये लोग अभी, बहुत यू नो ध्यान से काम कर रहे हैं ना तो इसलिए साइलेंट मोड पे हैं ये लोग। हाँ डेक लगा दो, गाने लगा दो ताकि मुझे कॉपीराइट आई जाए है ना। यहाँ पे मैं पहले ही मुझे टेस्ट करवा रही है, मजे का ना
बहुत मजे का। मम्मा आप रेस्टोरेंट खोलने एक। सो यहाँ पे बारबेक्यू कर रही है मामा। ओह वाओ चलो जी, कितना यम्मी लग रहा है मामा। सो गाइस यहाँ पे बाबा ने भी हमें ज्वाइन किया बारबेक्यू में। हैं बाबा, आप इतने टाइम से कहाँ पे गायब थे? अंदर मूवीज देख रहे थे। नहीं, प्रोग्राम लगा कर बैठा। मैंने अभी देखा आपको मूवी देखते हुए। मूवी लगा ली कि दिनी प्रोग्राम। अब आप ये एंजॉय कर रहे हो। तो इतने मजे की बारबेक्यू की खुशबू आ रही है ना कि मुझे तो अभी से भूख लग रही है मामा। बहुत ही यम्मी खुशबू है इसकी। हाँ। मामा लगते है इनका अपना। मामा का अपना रेस्टोरेंट है असल में। मामा शुरू से यही काम करते हैं। ढाबा है, वैसे हम लोगों का फर्स्ट टाइम है ऐसे बारबेक्यू कर रहे हैं, बट लग नहीं लग बिल्कुल नहीं रहा कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सो यहाँ पे मामा स्टेक के लिए भी रख रही है बीफ। ओ माय गॉड, सो आज हम लोग आएंगे बीफ स्टेक। ये बिला यहाँ पे चिकन खाने वालों के लिए चिकन है, यहाँ पे हम लोगों के लिए बीफ स्टेक भी है। वाओ बहुत यम्मी लग रहा है अभी से। ये तैयार है बारबेक्यू। सो यहाँ मामा स्टेक बना रही है। ओह वाओ स्टेक रेडी है। वाह यम्मी लग रहा है, खा लो। वाकई खाना ही है अभी बिलाल। सो यहाँ पे बिलाल सीखों से मलाई बोटी उतार रहा है। ओह वाओ देखो मेरे में कैसी यहाँ पे ये फोटोज क्लिक कर रही है। कैसी बनी है क्या ये? थोड़ी सी टेस्ट करते हैं यहाँ से लेके। वाओ सो जूसी। सो गाइस अभी इसको टेस्ट करते हैं कैसा बना। बिस्मिल्लाह मामा, वाकई बहुत मजे का बना। जेन्युइन जो मेहनत की है ना मजा आ गया। बहुत भूख लग रही है। सो स्टेक रेडी हो गया, बस इसके ऊपर व्हाइट सॉस और डालनी है। हाँ जी बीफ। चलो सो यहाँ पे यमी यमी मलाई बोटी तैयार है एंड यहाँ पे मजीद सीखे मामा ने रखी है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टू गुड है। सो यहाँ पे सीन कुछ ऐसे हैं, ये हम लोग प्रोफेशनल शेफ लेके आए हैं अपने साथ, ठीक है, एंड ये यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं। ये मामा ने बनाया, चेक करो यार बहुत मजे का है। एंड इन दोनों को बस देखें, ये ऐसे ही एंजॉय करने आए हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ खाने आए हैं। हम दावत पे आए हैं यार, दावत पे आए हैं अपने घर। मामा दावत पे आए ये लोग। तो यहाँ पे मामा मुझे कह रही है चखो स्टेक का, बहुत मजे का बना, नमक मिर्चा कुछ परफेक्ट और सॉफ्ट है फुल, एंड गोश्त की स्मेल भी नहीं आ रही। यम्मी मम्मा नहीं आ रही मजाक लगा। चलो ठीक है, बहुत मजे का, इतने यमी फ्लेवर्स है ना अंदर। अंदर ले जाके ना पे चेक करो बिलाल से, ये छपली कबाब का मटेरियल गिर गया खैर से। और अब मैरू इनको बाहर बिल्लियों के लिए डालने जा रही। मैरू बाहर सामने डाल देना, मैरू को पता नहीं है ना तो हम समझा रहे हैं। यहाँ पे मामा बेचारी ना इसमें छपली साथ में बना रही थी, बिलाल ने उनको तो और ही दिया खैर से। बारबेक्यू पार्टी। गाइस यहाँ पे मामा ने बीफ टिक्के भी लगा दिए हैं सीखों पे। वाओ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मामा वाओ, सो यहाँ पे मामा दिखा रही है कि बीफ का अपना ऑयल निकल रहा है। कसम से बारबेक्यू का मजा ना आता अगर वेदर अच्छा ना होता है। बिलाल पता नहीं क्यों तंग कर रहा है मुझे, क्या मसला है? तो जाओ अंदर, शाबाश। तो यहाँ रिमशा ने देखा कोई नहीं है तो ये खाने लग गई। वाह रिमशा वाह, बहुत मजे का। यार मेरा खाना गिन रही हो। ओके, आज के मेन्यू में हमारे पास है बीफ टिक्के, ग्रीन चटनी, उसके अलावा फ्राइज, बीफ स्टेक एंड यहाँ
यहाँ पे हमारे पास है मलाई बोटी, यम्मी। गाइस यहाँ पे मामा थक गई हैं बारबेक्यू करके। मामा थक गई हो ना? आज की डाइनिंग हमारी लग गई है जो कि इंडोर नहीं है, आज हम लोग आउटडोर ही डिनर करेंगे। उस खान से काम करवा रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, हो जाता है। एंड अभी बाबा बस यहाँ पे टेस्ट करके बताएंगे हमें कि कैसा बना है कैसा नहीं। सो बाबा खा के बताओ कैसा बनाया आपकी बेगम ने बारबेक्यू। बच्चों का ये जज्बा देखकर अपनी माँ के साथ क्या समझे, अल्लाह पाक ऐसी खुशियाँ हजारों मेरे बच्चे जो है ना जहाँ भी जाएं ऐसी खुशियाँ और देखें खुशियों वाला पैगाम हमें घर में आए। चलो अच्छा जी, हाय अंदर ही पठान की रूह आ गई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो यार खाओ जल्दी। बहुत अच्छी थी वैसे ही, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। मुझे ये लेनी थी ऐसे करके इसकी। सो गुड, दिखाएं मैं आपके पास। ओके यहाँ सब फारिग हो गए खा के। रिमशा स्टिल बैठी हुई है, मैं भी फारिग, मामा भी। रिमशा स्लो खाती हूँ, जल्दी खाना। ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ अभी है। ये भी स्टेक है, ये भी है, वो भी टिक्के भी पड़े हैं। खाओ फिर, इतना नहीं खाया, बस इतना ही खा सकते हैं। और कितना खाया उसका? ना आपने खाया जी, पता है जितना खाया है। बहुत बड़ी फैमिली हमारी होती ना, या हमें कोई एक्स्ट्रा पेट लगा था तो हम सारा खा सकते थे, बट नहीं खा सकते हम लोग। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डन विद फूड। बहुत 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 मजे का बना हुआ था सब कुछ, एंड बहुत ज्यादा मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इनको चेक करो, अब ये यहाँ से सारा कुछ समेट रहे हैं, सारा कुछ यहाँ से क्लियर करेंगे। एंड बस पे सीन कुछ ये है कि बाल फट गए हैं, ठीक है। अभी ये लोग सारे अंदर चले गए हैं, चेक करो ज़रा, सारे फ़ोन्स यहीं पे रख गए हैं। सो ये लोग अंदर गए हैं, अंदर चल के देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि आई हैव नो आइडिया। मैं अपनी स्नैप्स बनाई थी और ये सारे चीज़ें समेट के अंदर भाग गए हैं। सो चलो, अंदर तो कोई नहीं है, अंदर कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। सो गाइस वेदर ऐसा है ना, तो बाल फट रहे हैं बार बार। एंड अभी बस मैंने वापस से अपने बाल सेट कर लिए। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है ना बिलाल, मज़ा आया है ना? कितना मज़ा आया आपको बारबेक्यू करके? वैसे हम लोगों ने अकेले भी इंजॉय कर लिया, हमें लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग अकेले भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। सो गाइस मेरी चाय तैयार है, एंड आज हम लोगों ने यू नो कप भी चेंज कर ही ली है। सो चलो चाय पीते हैं। तो गाइस यहाँ पे तो सारे खा पी के ना आराम से ऊपर चले गए हैं चेंज करने के लिए, ठीक है। तो होप यू गाइस लाइक माय टुडेज व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई विल सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। टाटा बाय बाय। ओके आप लोगों की तरफ से भी टाटा बाय बाय।